हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल क्रिएटिव आर्ट्स एंड क्राफ्ट आइडियाज़ में स्वागत करती हूँ। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको न्यू आइडियाज़ मिलते रहें। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप बहुत ईजीली टिश्यू पेपर से फ्लावर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए टिश्यू पेपर, अगर आपके पास कलर्ड हो या वाइट हो, कैसे भी हो, ओके। टिश्यू पेपर, सीजर, कलर एंड अ गोल्डन वायर। गोल्डन ना हो बट ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे ये वायर्स। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक टिश्यू पेपर ले लेना है, ओके। ये देखिए, अब हमको इस टिश्यू पेपर में से एक जैसे सर्कल्स काटने हैं, तो सबसे पहले आप इसको फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पे अभी मैंने इसको दो बार फोल्ड किया है, ये तीन बार और ये चार बार, ओके। आप इसको कैसे भी फोल्डिंग दे सकते हैं, हमें सिर्फ सिमिलर सर्कल्स चाहिए, ओके। अब इसको एक सर्कल में कटिंग कर देते हैं। ये फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप इसको डेकोरेशन में अपने घर में यूज़ कर सकते हैं या कॉम्पिटिशन्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में ये फ्लावर्स बन जाते हैं, ओके। तो यहाँ देखिए मैंने कटिंग कर ली है, अब देखिए हमारे पास ये इतने सारे सर्कल्स आ गए। तो आप सबसे पहले सारे सर्कल्स को एक साथ पकड़ लीजिए, और क्योंकि बनने के बाद इनमें एक हल्का सा कलर दिखाई दे या थोड़े अट्रैक्टिव लगें, इसलिए आप अलग अलग कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ। आपको करना ऐसा है कि ये जो इनकी लाइंस दिख रही हैं हमें, सिर्फ इन पे कलर आना चाहिए, ओके। देखिए ऐसे हल्का हल्का सा चारों तरफ से आप इनको कलर कर दीजिए। आप ग्रीन कलर भी ले सकते हैं, रेड कलर भी ले सकते हैं, पिंक कलर भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से कलर कर दिया है चारों तरफ, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब इस वायर की मदद से हम इसका स्टेम बनाएंगे। सबसे पहले तो एट द सेंटर, अगर आपको सेंटर मार्क करना है तो इसको जस्ट हाफ फोल्ड कीजिए, ओके। और ऐसे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर डाल देना, जिससे यहाँ पे एक हमें पता चल जाएगा कि उसका सेंटर कहाँ है, ठीक है। अब आपको सिर्फ करना ये है बहुत ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो फट भी सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अब इस वायर से आपको पहले नीचे से ऊपर निकालना है इस वायर को, उसके बाद हम दूसरे होल से नीचे डाल देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। बहुत ही धीरे और ध्यान से करिएगा, नहीं तो फट जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने खोल कर दिया है, क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो आपसे डायरेक्ट ये जो वायर है वो अंदर नहीं जाएगा। तो आप राउंडर की मदद से यहाँ पे दो होल कर लीजिए सबसे पहले। ओके, ये देखिए मैंने दो होल यहाँ पे कर लिए हैं। अब मैं वायर को अंदर डालती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वायर को डाल दिया है, अब इसको हम
दूसरे में डालेंगे। इस तरह से आप इसको यू शेप में मोड़कर और दूसरे होल से नीचे की तरफ डाल दें। ये भी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको। ये देखिए, मैंने यहाँ से निकाल के इस दूसरे वाले होल में इस तरीके से निकाल दिया है। अब क्योंकि ये वापस से लीफ निकल नहीं जाएं, इसलिए आप इन दोनों जो वायर्स हैं इनको इस तरह से मोड़ दीजिएगा अच्छे से। ओके, ये देखिए वायर को मैंने इस तरीके से मोड़ा हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट वायर होता है, आराम से हाथ से ही मोड़ जाएगा। अब जो फाइनल फिनिशिंग हमें जो लुक देना है वो देखिए, इतनी सारी लीव्स हैं, ठीक है। आपको एक एक लीव्स को पकड़ना है, जैसे पहली वाली मैंने इस तरीके से पकड़ी, और उसको आप किसी भी डायरेक्शन में इस तरीके से लेके फोल्ड कर दीजिए और थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए। ओके, सिमिलरली दूसरी लीफ लीजिए इस तरीके से, और अलग अलग तरीके से आप इसे फोल्ड दीजिएगा और हल्का सा प्रेशर। फिर थर्ड लीफ उठाइए और उसको फोल्ड कर दीजिए ऐसे। इसी तरह एक एक करके सारी लीव्स को फोल्ड करते जाइए। देखिए, ये देखिए धीरे धीरे फ्लावर का लुक आ रहा है। आप चाहें तो ये जो लीव्स हैं उनको छोटी बड़ी भी आप जो हमने सर्कल्स काटे थे उसको आप ऊपर वाले सर्कल्स थोड़े से छोटे और फिर थोड़े बड़े इस टाइप में लेंगे तो भी अच्छा लुक आएगा, और अगर बराबर रखते हैं तो भी। बस फोल्डिंग अलग अलग तरीके से दीजिएगा ऐसे, क्योंकि एक बार आप फोल्ड कर देंगे तो वो अनफोल्ड नहीं होते हैं, इनका लुक ऐसे ही बना रहता है। और अगर आपको जो ये स्टेम है इसको भी ग्रीन करना है, तो उसके लिए भी ग्रीन टेप आते हैं मार्केट में, आप उससे रैप कर दीजिएगा, अदरवाइज़ गोल्डन कलर भी अच्छा है। ओके, अब इसको थोड़ा सा फ्लावर जैसा लुक दे दें। ये देखिए, ये हमारा टिश्यू पेपर फ्लावर रेडी है।